कावासाकी निंजा 650 BS6 वेरिएंट, जिस बाइक का इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोगों को था, फाइनली वो बाइक लॉन्च हो चुकी है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बाइक के प्राइस, फीचर एंड इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या टॉप फीचर्स मिलेंगे। सो अगर आप इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो गाइज, अब वीडियो शुरू करते हैं। सो निंजा 650 जो BS6 वेरिएंट है, वो अब आपको दिल्ली शोरूम पे अवेलेबल मिलेगा। और अगर बात करें इसके BS4 वेरिएंट के बारे में, तो BS4 वेरिएंट में बहुत सारे डाउनग्रेड थे जिसको अब अपग्रेड कर दिया गया है, और साथ में इसके प्राइस में आपको 34,000 रुपीज़ का हाइक मिलेगा। सो अब अगर बात करें इसके BS6 वेरिएंट के एक शोरूम प्राइस एट दिल्ली के बारे में, तो आपको ये 6,24,000 की एट शोरूम अवेलेबल होगी, और आपको ये ऑन रोड आते आते 6,97,000 रुपीज़ की हो जाती है। अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 649cc का 4-स्ट्रोक ट्विन पैरेलल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलता है। अगर आपको पता हो तो ये बाइक 649cc की डिस्प्लेसमेंट के साथ जो मैक्सिमम पावर देती है वो काफ़ी अच्छा दे रही है। ये बाइक 68 BHP का मैक्सिमम पावर देती है एट 8,000 RPM, मतलब इसका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ में अगर आप टॉर्क देखें तो टॉर्क मिलता है आपको 64 Nm एट 6,700 RPM। ये बाइक आपको 6 गियर स्पीड के साथ ट्रांसमिटेड मिलती है, और इसका जो डिज़ाइन एंड स्टाइल है काफ़ी चेंज किया गया है इसके लुक एंड फील में भी। सो अब ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ये एरोडायनेमिक्स एग्रेसिव डिज़ाइन वाली एक सुपर बाइक है, और इस बाइक का जो BS6 वेरिएंट का डिज़ाइन और स्टाइल है वो काफ़ी हद तक निंजा 400 और निंजा ZX6R से सिमिलर है। अगर बात करें इस बाइक के BS6 वेरिएंट के अंदर चेंजेस के बारे में, तो आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, जैसे फ्रंट वाइज़र का न्यूली डिज़ाइन होना, फ्रंट विंडशील्ड भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है जो कि आपको बेटर विंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डुअल टोन कलर स्कीम यूज़ किया गया है इसमें, आपको ब्लैक, रेड और ग्रीन का जो मिक्स है वो कलर कॉम्बो आपको यहाँ पे दिखेगा। न्यूली डिज़ाइन ट्विन LED हेडलाइट्स है, जिसके साथ में आपको फुली डिजिटल TFT कलर वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। इस बाइक में TFT कंसोल के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे, जो कि आपके राइड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड आप हर चीज़ अपना ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू योर फ़ोन। सो कावासाकी ने इस बाइक के एडवांस फीचर के में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इस बाइक के अंदर आपको एक सुपर बाइक वाले सारे फीचर्स मिलते हैं। इस बाइक में आपको रोड स्पोर्ट 2 रेडियल ट्यूबलेस टायर हैं, और साथ में इस बाइक के पिलियन सीट को भी एडजस्ट किया गया है ताकि पिलियन को बेटर कंफर्ट मिल सके। अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 196 kg। सो पावर टू वेट रेशियो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस बाइक में आपको 68 BHP का मैक्सिमम पावर मिलता है, और कर्व वेट 196 kg पे अगर पावर टू वेट रेशियो निकालेंगे तो काफ़ी हद तक आपको काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप इसके टैंक को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन है इस टैंक का, और इस पर जो ग्राफिक है ब्लैक कलर का लोगो है इस पर कावासाकी का, साथ में आपको येलो और गोल्डन कलर की लाइंस दिखेंगी विद ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्डन लाइंस। गाइज अगर फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको 15 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलेगा, और इस बाइक का जो चेसी एंड सस्पेंशन है वो है ट्रेलिस हाई टेंसाइल स्ट्रीट फ्रेम पे ये बेस्ड है, और इसमें आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मिलता है, एंड रियर में आपको मोनो शॉक जो कि एडजस्टेबल सस्पेंशन होगा वो देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको 300 mm का फ्रंट डुअल डिस्क मिलता है, और 220 mm का सिंगल रियर डिस्क मिलेगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा जो कि आपकी राइड के कंट्रोल को काफ़ी हद तक कंट्रोल बना देती है। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट है लाइम ग्रीन इबोनी, और सेकेंड है पर्ल फ्लैट स्टार डस्ट वाइट। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप एंड परफॉर्मेंस के बारे में। इस बाइक का जो टॉप स्पीड रिकॉर्ड किया गया है ऑन ट्रैक ऑफ कावासाकी वो रिकॉर्ड किया गया है 221 kg। जी हाँ, 221 km/h की रफ्तार से ये बाइक चलती है अपने मैक्सिमम टॉप एंड पे, यानी टॉप स्पीड पे।
साथ में अगर बात करें इसके माइलेज की, तो आपको विद इन सिटी इस बाइक का माइलेज मिलता है 15 किलोमीटर पर लीटर का, और ऑन हाईवे इसको आपको जो एवरेज मिलेगा वो 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली शोरूम वो है 6,24,000, और ये बाइक ऑन रोड आते आते 6,95,000 की हो जाती है। सो गाइज, ये थी वीडियो निंजा 650 BS6 वेरिएंट के बारे में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।